कमाल ही हो गया, हम दोनों को एक ही चीज पसंद आई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक ही इंसान के लिए है? हेलो सर, मैं जसी बोल रही हूँ। जसी, इतनी रात को सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे आपसे मिलना था, कुछ बात करनी है सर, कल ही। कल? लेकिन कल तो संडे है जसी, और ऑफिस बंद है तो। सर एक्चुअली मुझे जो बात करनी है ना, ऑफिस उसके लिए ठीक जगह नहीं है। लेकिन जैसे वो इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हो? आपसे मिलने आई हूँ सर। हाँ आओ ना। जैसी, हम लोग कल मिलने वाले थे ना फिर? हाँ, लेकिन मैं कल तक का इंतजार नहीं कर पाई। जो बात मुझे कहनी है वो अभी कहने का दिल कर रहा है। लेकिन जैसी, प्लीज प्लीज मुझे रोकिए मत सर, मुझे कहने दीजिए। क्या पता मैं ये बात कल कह ना पाऊँ। मुझे माफ कर दीजिए सर। माफी? इतने दिनों से आप मुझे यही दिखाने की कोशिश कर रहे थे ना कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं सबको झूठ समझती रही अरमान सर, और इसलिए मैंने अपने जज्बात की बात आपसे कह ही नहीं पाई। लेकिन अब मैं और चुप नहीं रह सकती। मैं भी आपको बताना चाहती हूँ अरमान सर, कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। देखिए साहब, ये हो गए आपके 8 किलो। 8 किलो? अबे हट, सारी अखबार मैंने गिनी है। 1 किलो में 7 अखबार चढ़ती हैं, ये कम से कम 10 किलो होना चाहिए। ये तेरा तराजू खराब है। चल। क्या बात कर रहे हैं साहब, पूरे मोहल्ले की रद्दी लेता हूँ, आज तक कोई नहीं बोला कि ये तराजू खराब है। अगर दूसरे लोग बेवकूफ है तो तू क्या चाहता है, मैं भी बेवकूफ बन जाऊँ? अभी बताता हूँ तुझे। 7 किलो रद्दी के लिए आधे घंटे से चकचक करता हूँ। आराम से बोलो, बड़े गुस्से वाले हैं ये। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ये देख, ये 2 किलो दाल है। हाँ। है ना 2 किलो? हाँ। हाँ। निकाल निकाल, अपना निकाल। देख लो देख लो। देखा
डेढ़ किलो दिखा रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये रद्दी 8 किलो नहीं है, 10 किलो है, जैसा कि मैं तुझसे कह रहा था। इसका मतलब है इसका भी तराजू खराब है। तो अब 4.50 रुपए के हिसाब से 43 रुपए निकाल चल। बिल्कुल बिल्कुल, ये लो, ये हो गया 40 और ये 45। यहाँ पे किसी की रद्दी मत खरीदना तू, समझा? ठीक है साहब। देखा बेबे, सीधे सीधे 9 रुपए एक्स्ट्रा कमाए मैंने आज। ये ले। अमृत, तुझे याद है पहले कैसे बिल्लू रद्दी के पैसे आटे के डब्बे में छुपा के रखता था? और बेबे याद है ये 3 महीने के बाद ये पैसे वहां निकलते थे और एक बार हम लोग संडे को घूमने जाते थे, वो अपना क्या वो गेटवे ऑफ इंडिया और वो हाजी अली वगैरह। चलो एक काम करते हैं, अपन लोग आज फिर से घूम करके आते हैं, तुम लोग आलू और पूरी पैक कर लो और यहाँ से सीधे बस से चलेंगे गेटवे ऑफ इंडिया। क्यों क्यों जैसी, क्या ख्याल? क्या? अरे बिल्लू कह रहा है कि पहले की तरह पिकनिक मनाने चलते हैं। बेबे मुझे अरमान सर से मिलना है, मेरा काम है। संडे को क्या काम है बेटा? जरूरी है पापा जी, आप लोग जाइए ना। नहीं बेटा, तेरे बिना बिल्कुल मजा नहीं आएगा। हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग अगले संडे को चले जाएंगे। हाँ तू जा अपने काम पे। लेकिन बेटा ये संडे को काम वाम मुझे पसंद नहीं है, बता देना अपने मिस्टर सूरी को। बाय। अच्छा जैसी, ये छाता ले जा, आजकल तेरी भीगने की आदत बहुत पड़ गई। पापा जी लेकिन बादल तो है ही नहीं। बादलों का क्या है, चल चल। अरे बैठे रहो बैठे रहो बेटा, अब तो तुम बहुत खास हो हमारे भाई। हमें तो बहुत खुशी हुई तुम दोनों की इस खुशखबरी को सुन करके। आपके जैसे दामाद हमसे तो कभी तमन्ना भी नहीं की थी जी। अरे नहीं, अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है, अब तो हम बुजुर्ग लोग संभालेंगे ना। आप अपने माता पिता से बात कर लीजिए, इस बार उनसे मुलाकात भी हो जाएगी और शादी की तारीख भी पक्की हो जाएगी। ठीक है जी। अब दिन दहाड़े मिस्टर वालिया के सपने देख रहा हूँ मैं, ये क्या हो रहा है मुझे? हेलो मिस्टर सूरी। हाय मिस्टर वालिया। बाकी सब ठीक है, लेकिन संडे को जस्सी को हम अपने घर से बाहर नहीं भेजते, उसको टाइम पर वापस लाने की जिम्मेदारी आपकी है, समझे? जी 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 मिस्टर वालिया। बोलो कहाँ जाना चाहती हो तुम? किसी खास जगह? नहीं। क्यों क्यों? तुम्ही ने तो कहा था कि ऑफिस के अलावा कहीं भी मिल सकते। बात करनी है आपसे, बात तो कहीं भी हो सकती है, कार में भी, लेकिन आप पहले गाड़ी रोक दीजिए वरना आपका ध्यान ड्राइविंग में ही रहेगा ना। इतनी सीरियस मत लगो जैसे, मुझे घबराहट होती। नहीं सर मैं सीरियस नहीं। जैसे सॉरी जैसी, बोलो क्या बोलना चाहती थी तुम? हाँ मलिका। अरमान फोन पहले क्यों नहीं उठाया? फोन साइलेंट पे था, सुनाई नहीं पड़ा। अच्छा बताओ घर कब आ रहे हो? आ जाऊंगा मलिका, आ जाऊंगा। अरे ये किस तरह का जवाब हुआ, बताओ ना कब आ रहे हो, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैंने कहा ना मलिका मैं घर आ जाऊंगा। ओके बाय। सॉरी जैसी, पूछो क्या पूछना चाहती हो तुम? सर मैं बस यही कहना चाहती थी कि ये जो भी हो रहा है ना हम दोनों के बीच में, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है सर। क्या मतलब? सर आप और मैं, हमारी फीलिंग्स, ये फूल, गिफ्ट, चॉकलेट, इस सबसे बहुत खुशी मिल रही है मुझे सर, लेकिन औरों को धोखा देकर हासिल की हुई खुशी चोरी जैसी लग रही है। ये क्या कह रही हो तुम जैसे? किसको धोखा दिया है?
और कैसे धोखा? मालिका मैम को, जिनके साथ आपने जिंदगी बिताने का वादा किया सर, पुरुषोत्तम सर को, जो आप पर और मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, मेरे मामा पापा जी को, जो मेरी हर बात बिना सवाल किए मान लेते हैं सर, ये सब बहुत गलत है। जैसे इसमें गलत क्या है? ये फीलिंग्स और जज्बात का मामला है और इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं होता। नहीं सर, जो बात दूसरों से छुपानी पड़े उसमें जरूर कुछ गलत होता है सर। लेकिन जसीब, नहीं सर, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इस तरह आंखें बंद करके मैं किसी ख्याली दुनिया में नहीं रहना चाहती। जसीब, मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए सर जो दूसरों की दुख की वजह बन जाए। राज, मेरी हेल्प कर, क्या करूं सिचुएशन के बारे में क्या कहूं? जैसी ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये सिचुएशन तुमने बनाई है और सजा अब तुम मुझे देना चाहती हो। मेरी वजह से? मैंने क्या किया सर? जैसी मैंने तो तुमसे कहा था, मैंने तुम्हें सिंगापुर में कहा था कि मैं मल्लिका से प्यार नहीं करता। फिर क्यों तुमने हमें काउंसलर के पास भेजा? क्यों हमें एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही थी तुम? पुरुषोत्तम सर की वजह से, मालिका मैम, उनकी तकलीफ। और मेरी तकलीफ? मेरी तकलीफों का क्या? उनकी तो शायद कोई अहमियत नहीं है ना तुम्हारी जिंदगी में। मुझे दूसरों को दुख देने में मजा नहीं आता जैसी, मेरी भी फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं। लेकिन तुम्हें उससे क्या, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुमने सबके बारे में सोचा और आज जब मुझे तुम्हारी जरूरत हुई मुझे छोड़ने की बात कर रही हो। मुझे नहीं पता, आप मुझसे प्लीज इतने सवाल मत पूछिए सर। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये जो भी हो रहा है ना, ये बिल्कुल गलत है सर। जैसी, जैसी मेरी बात तो सुनो। ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? हाँ, सब सच नजर आ रहा है सर, पहली बार मेरी आंखें खुल गई हैं। क्या बात है, I'm always champion यार। बोल बोल इसके बाद क्या बोल? दिख दिख दिख। बे क्या देख रहा है तुम लोग आंखें फाड़ फाड़ के? ये जैसी तो है। क्या बात कर रहा है, जैसी? और वो भी किसी आदमी के साथ? ए क्या हुआ, लड़कियों का अकल पड़ गया है क्या? गाड़ी तो देख बुरी नहीं है और आदमी देख वो भी सही है बॉस। अरे आंखें कमजोर होंगी, शायद अभी तक जैसी नजर नहीं आई होगी। अरे गाड़ी और पैसे होने से क्या होता है, सब आदमी के शौक अलग अलग होते हैं। लगता है उसको जैसी जैसी पसंद होगी। सर यहाँ से चलिए, ये पास में ही रहते हैं, ये ऐसे ही है सर, चलिए। एक मिनट जैसी। ओए जैसी, कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा तेरे साथ? हम हैं, हाँ बता देना, अकल ठिकाने लगा देंगे इसकी। सर यहाँ से चलिए सर। एक मिनट जैसी। क्या बोल रहे हो? प्लीज यहाँ से चलिए। जुलाई हो गई। I'm sorry, sir.
तुम सॉरी क्यों कह रही हो जैसे? इसमें तुम्हारी क्या गलती थी? नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ ना। वजह कुछ भी हो जैसी, उसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हारे बारे में ऐसे बात करने की? कोई कुछ भी कह के चला जाएगा और मैं सुनता रहूंगा क्या? I'm sorry. मैं आपको अंदर भी नहीं बुला सकती, ऐसे देख के सारे घबरा जाएंगे सब। It's okay, Jassi. तुम जाओ, yeah. और सुनो, ये बात बात में सॉरी मत कहा करो। Okay? गाड़ी से नहीं उतरती, वो लड़के हमें नहीं देखते, कुछ नहीं कहते और अरमान सर को गुस्सा भी नहीं आता। लो जी, जस्सी आ गई अरमान सर से बचती बचाती। आजा बेटा, आजा आजा, बोल क्या खाएगी संडे के गर्मा गर्म पराठे ना ले? ले 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 ले, गरम गरम पराठे ले ले, अचार ले, तेरी पसंद का। मैं ले लूंगी। क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों लग रही है? कुछ नहीं, तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? अच्छा चल, खाना खा ले, सब ठीक हो जाएगा। उस सूर्य के बच्चे ने तो तुझसे कुछ नहीं कहा ना? नहीं। बेबे, इसको दे दो। वो तो शुरू से ही कह रहे थे कि वो मलिका मैम से प्यार नहीं करते। मैंने ही उन्हें काउंसलर के पास भेजा। वो जब भी पास आना चाहते हैं, मैं ही उन्हें दूर कर देती हूँ, उनकी हर कोशिश को ठुकरा देती हूँ। मैं ही गलत हूँ, सारी गलती ही मेरी है। मैं बस यही कहना चाहती थी कि ये जो भी हो रहा है ना हम दोनों के बीच में, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। धोखा देकर हासिल की हुई खुशी चोरी जैसी लग रही है। जो बात दूसरों से छुपानी पड़े उसमें जरूर कुछ गलत होता है सर। कितनी जोर से चोट लगी उन्हें, कितना दर्द हुआ, और वो सब मेरी वजह से। आज पहली बार कोई मेरे लिए लड़ा, जस्सी के लिए। शायद सबको इतना सुनने की आदत हो गई थी कि लड़ने की जरूरत महसूस ही नहीं होती थी। अरमान सर कह तो रहे थे, लेकिन आज उन्होंने कर भी दिखाया कि जस्सी के लिए उन्हें दर्द भी होता है, जस्सी के लिए वो चोट भी खा सकते हैं। आज पहली बार महसूस हो रहा है कि अगर अरमान सर का साथ होगा तो मुझे किसी बात का डर नहीं होगा।